नमस्कार दर्शकों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष, और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है नमस्ते हिमाचल। जी हां दर्शकों, कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में हम आपको हिमाचल की कला, हमारी संस्कृति, हमारी वेशभूषा और कुछ खास शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो आज हम आपको एक खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं। जी हां दर्शकों, जब हम देवभूमि हिमाचल की बात करते हैं ना, तो हिमाचल में दो ही चीज़ें बहुत फेमस है, एक है हमारा सेब और एक है हमारी नाटी यानी कि हमारी पहाड़ी गाने। तो दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है विमला देवी जी। विमला देवी जी भी बहुत फेमस सिंगर हैं। अगर आप किसी भी पार्टी में जाते हैं, किसी भी शादी विवाह के समारोह में जाते हैं या किसी भी फंक्शन को अटेंड करते हैं, तो इनके गानों पर नाटी आपने जरूर डाली होगी। तो आइए स्वागत करते हैं विमला जी का। विमला जी, हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार जी। जी नमस्ते हिमाचल की पूरी जो टीम है कार्य करते हैं उनको मेरा सादर नमस्कार जी। आप बहुत बढ़िया, आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं कि मुझे यहाँ आने का आप लोगों ने मौका दिया। तो जी मैम, हमारा खुद का सौभाग्य है कि आज आप हमारे जो मॉर्निंग शो है जिसमें सुबह सुबह आप हमारे साथ मौजूद है, हमारे दर्शकों के साथ भी मौजूद है, और बहुत सारे गाने हम आपसे सुनने वाले, बहुत सारी नाटियां हम आपसे सुनने वाली, बड़ी फरमाइश रहने वाली है मेरी और मेरे दर्शकों की। मैम सबसे पहले जब हम मॉर्निंग की बात करते हैं, हम सुबह की शुरुआत की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि सुबह की शुरुआत अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में हम लोग जीते हैं मैम, पूरे दिन की थकान मिटा के जब हम सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो ऐसा रहना चाहिए कि माइंड बड़ा फ्रेश रहे, बड़ा कॉन्शियस रहे। आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है, कोई स्पेसिफिक रूटीन आप फॉलो करती हैं, कहीं आप वॉक पे निकलती हैं या कुछ कोई स्पेशल, जैसे मैम कुछ लोग ग्रीन टी पीते हैं, कुछ लोग चाय को अवॉइड करते हैं, अब हम जैसे कुछ लोग हैं जो हमारे दर्शक भी एग्री करते होंगे, हम लोग तो चाय के साथ ही हमारी मॉर्निंग की शुरुआत होती है, तो आपकी कैसे शुरुआत होती है। तो मेरी भी शुरुआत कुछ इसी तरह से ही होती है, सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा सा सैर कर लेते हैं, फिर वही चाय पीते हैं बस। मैम पहाड़ों में मुझे लगता है कि अगर हम पहाड़ की बात करें ना, हिमाचल की हम बात करें, तो चाय तो मुझे लगता है कि हमारा बिल्कुल एक जिसको कहते हैं नेशनल ड्रिंक बन चुका है। और सारे लोग चाय पीते हैं, पारंपरिक मान ही सकते हैं, वैसे अनहेल्दी होता है कुछ लोग कहते हैं, बट चाय सब लोग पीते ही हैं, चाय का लुत्फ बहुत ज़्यादा लोग उठाते भी हैं। मैम आप बहुत ही फेमस सिंगर हैं, आपको सब लोग जानते हैं, बहुत सारे आपके ऐसे गाने हैं जिसपे लोगों ने बहुत झूमे हैं, बहुत नाटियाँ डाली है, AIR DDK के साथ भी आपका सफ़र रहा। पर जो दर्शक अभी जुड़े हैं, क्योंकि जब हम नमस्ते हिमाचल की बात करते हैं, हमारे मॉर्निंग शो की बात करते हैं, DD हिमाचल की रीच ऑल ओवर इंडिया है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ये प्रोग्राम DTH के माध्यम से जाता है, तो थोड़ा सा आप अपना अगर तारुफ हमारे दर्शकों को दें कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप। जी मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, मैं विमला देवी करसोग क्षेत्र के एक छोटे से गांव अलसिंडी में रहने वाली हूँ जी। तो मेरा जो बचपन है वो बहुत गरीबी में व्यतीत हुआ था, क्योंकि मेरे जब मैं 2 साल की थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी जी। तो मैंने आज तक भी वैसे पापा को नहीं देखा। तो मम्मी जब पापा की डेथ हो गई थी तो मम्मी की एज लगभग 23-24 साल थी, एक मेरे बड़े भाई है। फिर हमारी जो माँ है वो दूध बेच के, घास बेच के, कभी लोगों के घर में काम करके, दिहाड़ी कमा के, इस तरह से हमारा जो खाने पीने का इंतज़ाम करते थे जी। तो रही मेरी, ये थी मेरे घर की बात। अब मेरे स्कूल की बात, स्कूल भी हमारा वहीं पे ही है, अलसिंडी गांव में मेरे घर के नज़दीक ही हमारा स्कूल है। तो वहाँ पे मतलब वहीं से मेरे स्कूल से ही मेरे गाने की शुरुआत हुई है। छोटी सी थी, पहली दूसरी क्लास में पढ़ने वाली थी, छोटी थी, लेकिन मेरी जो आदत थी, मेरी ये आदत थी कि जब भी मैं चाहे आंगन में ही हूँ, चाहे जहाँ भी हूँ, जोर जोर से गाना मेरा वो था कि सवेरे उठ के ही जोर जोर से गाना शुरू कर देना जी। तो मेरे जो अध्यापक लोग थे वो मेरे गाने सुनते थे। तो स्कूल में जब बाल सभा होती थी हर शनिवार को, तो फिर तब तो बोलते थे कि भाई हाँ जी विमला, वैसे तो बड़ी चिल्लाते हैं आप जी। तो आप गाइए आप। तो फिर मैं गाती थी, फिर गाती थी गाती थी, और बाकी ऐसा दिन नहीं होता था। फिर डेली जब प्रेयर होती थी तो डेली सुनते थे मेरा गीत जी। तो फिर उसके बाद 7th 8th में मैं जब पढ़ती थी तो एक कंपटीशन हुआ था सोलन में कंपटीशन हुआ था, तो वहाँ पे मुझे भी ले गए थे। तो वहाँ पे मुझे अवार्ड मिला था हिमाचल में फर्स्ट आई थी बेस्ट अभिनेत्री का। वहाँ मैंने बुढ़िया का रोल किया था, मैं 6-7 साल की थी जी। तो मुझे मतलब मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है आपकी, मतलब सिंगर तो आप बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छी हैं, वो एक्टिंग में भी आपने मतलब अपना एक हाथ आजमाया है। तो मुझे अवार्ड तो मिला, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि भी क्या चीज़ होती होगी ये।
आज पता चलता है ना कि वो क्या चीज थी जी। उस वक्त मेरी एज बहुत कम थी, तो अवार्ड मिला, हम घर आ गए, तो माँ तो गरीब थे, घर में कुछ कर नहीं सकते थे। फिर मेरे जो टीचर लोग हैं उन्होंने मेरा बहुत प्रोत्साहन किया है। फिर स्कूल में बड़ा फंक्शन रखा, भी हमारी जो बेटी है इसने ऐसा किया, हमारे तो हिमाचल में फर्स्ट आई, हमारे लिए गर्व की बात है जी। तो ऐसे ऐसे फिर हुई मैं 10-11 साल, जब मैं 10-11 साल की हुई तो फिर मैंने गीत लिखने शुरू कर दिए थे। वाह, 11-12 साल की एज में मैंने पहली नाटी लिख दी थी। वाह, तो फिर आगे आगे 14-15-16 साल की होगी तो मैंने फिर आकाशवाणी शिमला में फिर अपने ऑडिशन कर दी। जी जी बिल्कुल। तो और मैम जब नाटी की हम बात कर रहे हैं और आपका सफ़र, आपने बोला कि स्ट्रगल से शुरुआत हुई और आपने इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया, और मुझे लगता है जो आपका क्षेत्र है करसोग, पर करसोग ही नहीं पूरा हिमाचल आप पे गर्व करता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी आवाज़ की खनक को महसूस करते हैं और उनके दिन की शुरुआत मुझे लगता है आपके गाने से भी होती होगी, तो आपके दिन की शुरुआत किस गाने से होती है? आप भजन से स्टार्ट करते हैं या आप कोई और गाने से स्टार्ट करते हैं? और प्लीज़ हमारे दर्शक को अगर आप थोड़ा सा कुछ गुनगुना के सुनाएं। चलिए मैं भजन भी आपको सुनाऊंगी, पहले मैं इस बात को पूरा कर लूँ अगर आपको बुरा ना लगे जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने रेडियो से स्वर परीक्षा दी, तो रेडियो में मैंने बी ग्रेड पास कर लिया। उसके बाद 5 साल के बाद मैंने फिर से ऑडिशन दी तो बी हाई कर ली। बी हाई करने के बाद फिर मेरा जो संगीत का लिखने का था वो चलता रहा। मैंने आज तक कम से कम 90-100 के करीब अपनी करसों के लिए जो नाटियाँ लिखी है। वाह, तो मैंने अब वादा भी किया हुआ अपने जनता से कि भई मैं अब, पहले तो गरीबी थी, फिर उसके बाद शादी हो गई, फिर फैमिली में थोड़ा सा हो जाता है, लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता बिल्कुल, है बिल्कुल। अब मैंने वादा किया है कि मैं सारी जो 100 की 100 जो हमारी नाटियां हैं उनको मैं यूट्यूब के लिए निकाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी। तो वैसे वैसे चलता रहा। फिर दूरदर्शन जलंधर से भी मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी, तो आकाशवाणी बठिंडा से भी मेरे कार्यक्रम आते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग की। बिल्कुल जी, हम लोग खुद भी आपके गानों को बड़ा महसूस करते हैं, आपके बहुत सारे गाने हैं जो हम सुनते हैं और आज हमारे दर्शक भी सुनने वाले हैं। तो कौन सा पहला ऐसा गाना जो आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? जी मेरी तो, मैं तो शुरुआत करना चाहूँगी भजन से ही, क्योंकि आज वैसे भी वीरवार का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है। वाह, तो मैं सरस्वती वंदना से ही शुरुआत जी बिल्कुल। मेरे कंठ बसो महारानी, महारानी मेरे कंठ बसो महारानी, महारानी मेरे कंठ बसो महारानी। सुर और ताल का ज्ञान भी दे दो, सुर और ताल का ज्ञान भी दे दो, मेरी कला को आशीष दे दो। तुम चंदन हम पानी माता, तुम चंदन हम पानी माता, जग जननी महारानी मेरे कंठ बसो महारानी, महारानी मेरे कंठ बसो महारानी। वाह मैम वाह, आप कह रहे हो कि मेरे कंठ बसो महारानी, मुझे लगता है और हमारे दर्शक भी एग्री करते हैं कि सच में सरस्वती माँ आपके कंठ में विराज रही हैं। जिस प्रकार से आपने ये गाया है, मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी मंत्रमुग्ध हो गए होंगे आपकी आवाज़ की खनक को सुन के। मैम हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं, आपने कहा कि आप करसोग क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, और जब हम हिमाचल की बात करते हैं मैम, कहा यह जाता है कि हिमाचल देवभूमि है, देवी देवताओं का यहाँ वास है,
और खासकर हम जब शिव की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे गाने आपने सुने भी होंगे जहाँ कहते हैं कि शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। तो मैम शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है हिमाचल में? आपने तो पूरा हिमाचल देखा है और खासकर करसोग में, और उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शिव जी के चरणों में कोई भजन अगर गाना चाहें। शिवरात्रि तो हमारा जो मंडी का जो है जो तो फेमस त्यौहार है ही है जी। तो हमारे जो करसोग तक करसोग वाले जो जितने भी है वो मंडी से ही ताल्लुक रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट का हमारा मंडी है जी। तो हमारे बहुत अच्छी तरह से मतलब बहुत अच्छी तरह से हम शिवरात्रि को मनाते हैं। शिवरात्रि से पहले दिन ही मैं थोड़ा सा आपको पहले बताना चाहूँगी, शिवरात्रि से पहले दिन जो हमारे कढ़ाई लग जाती है, कढ़ाई मतलब तेल वाली रोटियां जो है जिसको हम रोटको कहते हैं अपनी भाषा में, वो बहुत सारी बनाते थे। मतलब अब तो नहीं है इतना ज्यादा, और मेरे ख्याल से हर क्षेत्र में अलग अलग नाम है। शायद अगर हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पकैन उसे कहा जाता है। हाँ जी, पकैन बोलते हैं, पोल्डू बोलते हैं, अलग अलग तरह की है। जब हम छोटे होते थे तो हमने अपनी आंखों से देखा है कि शिवरात्रि के पहले दिन से ही रोटियां बननी शुरू हो जाती थी, किल्टे में ले जाके लोग गाँव गाँव में उनको बांटते थे। तो फिर दूसरे दिन जब शिव का दिन होता है, शिवरात्रि होती है, फिर उस दिन हमारे इस तरह से मनाते हैं शिवरात्रि को कि उसमें जौ लगता है और आपका जो पाजे का पौधा होता है वो डाली लगती है, बहुत बड़ा रोट बनता है। हमारे जो शिव जी का मंदिर है करसोग में, वहाँ पे तो अभी तक पता नहीं कितने मण का वो जो रोट बनता है उनके जो मंदिर में। तो घर में भी बहुत सारा बहुत बड़ा रोट बनता है, तो रोट और रोटियां बनती है जो 11 जगह, कई 22 जगह रखते हैं, बिल्कुल ऐसे दायरे में रखते हैं रोटियां, बीच में चावल रखते हैं और उस चावल के बीच में उसका फल रखते हैं जो कैमटी नहीं होती है, कैमटी होती है, ये कुप्पू भी बोलते हैं उसको, तो कैमटी का फल रखते हैं बीच में, तो उस फल के जो उसको मतलब एक कोई जेवर रखते हैं उसमें जी। वैसे उस तरह से फिर दिया जलता है तो शिव बूटी भी रखते हैं वहाँ पे, तो फिर लोग सारी रात नाचते हैं, तो उसको बोलते हैं हम जती, वो होती है जती। यही तो चीजें हैं जो हमारे जो आज की डेट में लुप्त हो रही है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दूरदर्शन का, आप लोग इन चीजों को हमेशा संजोए रखते हैं और हमें भी मौका मिल रहा है आपको बताने के लिए जितने हमें धन्यवाद। तो मैम धन्यवाद तो आप जैसे आर्टिस्ट का होगा, और खासकर हम जब दूरदर्शन की बात करते हैं, जो दूरदर्शन की एडमिनिस्ट्रेशन है उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद हम करना चाहेंगे कि वो इस प्रकार से प्रोग्राम्स लेके आते हैं, दर्शकों की जो आवाज़ है उनको वो समझते हैं और इस प्रकार से प्रोग्राम्स लेके आते हैं। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेके आते हैं, आप जैसे आर्टिस्ट आते हैं और हमारे ऑडियंस का भी आप मनोरंजन करते हैं। मैम शिवरात्रि की बात चल रही है, तो जब शिवरात्रि में आपने बताया क्या क्या बनाया जाता है, और मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि शिवरात्रि का जो त्यौहार है, अगर हम पहाड़ों की बात करें तो बहुत ही बड़ा त्यौहार है। दिवाली जैसे दिवाली दशहरा होता है, उसी प्रकार से शिवरात्रि को भी मनाया जाता है। तो मैम आपकी सुरीली आवाज़ से शिव जी के चरणों में अगर कोई भजन आप सुनाएं। जी, तो शिव जी का जो है हम जति गाते हैं उस वक्त जी। तो शिव की जति है उड़े बीड़े फूले के बारे डाले, हाँ उड़े बीड़े फूले के बारे डाले, चूंगे बीगे आने हेरा करंडो भरे, हाँ चूंगे बीगे आने हेरा करंडो भरे, नीउले बीड़े फूले पाजरे डाले, हाँ नीउले बीड़े फूले पाजरे डाले, चूंगे बीगे आने हेरा करंडो भरे, हाँ भाइयो चूंगे बीगे आने हेरा करंडो भरे, आज साई राजा मारे पाउणे आने, हाँ आज साई राजा मारे पाउणे आने, नीउले बीड़े फूले पाजरे डाले, हाँ नीउले बीड़े फूले पाजरे डाले। Wow.
वाह मैम क्या बात है, कितना सुरीला भजन आपने हमारे दर्शकों के लिए सुनाया। और जब हम शिव जी की बात करते हैं तो शिव भगवान हमारे आराध्य हैं, और कहा जाता है कि शिव जी का वास हिमाचल में है, और उनकी असीम अनुकंपा हम सब पे इसी प्रकार बरसती रही, यही हम लोगों की इच्छा भी रहती है, कामना भी रहती है। तो मैम जब हम शिवरात्रि की बात करे थे, आपने भगवान का भजन गाया, क्या आप स्पिरिचुअल हैं, क्या आपके दिल में भी बहुत आस्था है देवी देवताओं के प्रति? मेरे मन में तो बहुत ज़्यादा आस्था है इन देवी देवताओं की वजह से। अगर आप सच पूछे तो मैंने किसी से शिक्षा प्राप्त नहीं की है संगीत की, तो मैं बहुत मानती हूँ माँ सरस्वती को, जिन्होंने मुझे मतलब इस लायक बनाया है। थोड़ा सा जो भी मुझे आता है तो ये सब इसी माँ का प्रसाद है, तो मैं इसको ग्रहण करती रहती हूँ। तो ये जो था सर, ये थी, इसको जत्ती बोलते हैं जी, शिवरात्रि में जत्ती गाई जाती है। लेकिन ये आपको सिर्फ शायद मेरे आइडिया से आकाशवाणी शिमला में या दूरदर्शन में ही मिलेगी जी। मैम आपको लगता है कि जब हम लोकगीतों की बात करते हैं, हम पुराने गानों की बात करते हैं, अपने कल्चर की बात करते हैं, खासकर हम पहाड़ी गानों की या नाटी की बात करते हैं, कि थोड़ा ज़रूरत आ गई है कि हमें इसको संजो के रखना है? हाँ जी, आप मानते हैं इस बात को? इसको तो संजो के रखना ही चाहिए, लेकिन जो जो हमारे जो जो पारंपरिक चीज़ें हैं, जो हमारा पारंपरिक पहनावा है, जो हमारी पारंपरिक बोली है, मतलब ये दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, ये कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये जो इस मिट्टी की जो खुशबू है, ये हमारे में, हमारा इसमें जन्म हुआ है जी, क्योंकि हमें इसको इसी से हमारी पहचान है। बिल्कुल, मान लो आज की डेट में बच्चे आज चलो सीखते, तो मैं भी फिल्मी सॉन्ग भी गाती हूँ, पंजाबी भी गाती हूँ, हर तरह का गाती हूँ, गाना चाहिए, अच्छी बात है जी। आजकल बच्चे ज़्यादातर फिल्मों की मतलब फिल्मी सॉन्ग वगैरह के लिए ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए, हर एक चीज़ सीखनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा है हमें अपने फोक पे देना चाहिए, इसी से हमारा भविष्य है। लेकिन अगर हम जैसे मान लो फिल्मी वगैरह ये सीखते हैं, इस फिल्मों में मुंबई में लाइनें लगी है, उस लायक हम नहीं कर सकते, हमारा शायद 100 में से कोई एक बच्चा जाएगा, लेकिन हम अगर हम अपने फोक पे ध्यान देंगे तो हमारा सब जी, कुछ बिल्कुल अच्छा होगा। अपने रूट्स गहरे होने जरूरी हैं, अपनी जब अपनी, वो कहते हैं कि अपनी नींव अगर हमारी गहरी होगी तो इमारत तो हमेशा बुलंद मिलेगी। आपका एक नाटी है बड़ी फेमस, गणपत की नाटी, तेरा जूना प्यारा लागे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे और थोड़ा गुनगुनाएंगे आप? हाँ सर, ये मैंने लिखी थी ये नाटी, तो मैं गाती हूँ जरा इसको जी। हो गणपत तेरा जीवना प्यारा, कदी नहीं कोसी गोला का हारा, गणपत तेरा जीवना प्यारा, कदी नहीं कोसी गोला का हारा। और तेरा
जब हम बात करते हैं नाट्यों की, आपका ये जो गाना ना बड़ा फेमस था, बहुत सारे लोग इस पे झूमते हैं, बहुत सारे लोग इस पे गाते हैं, तो मैम जब आप स्टेज पे जाते हो ना लाइव परफॉर्म करने के लिए, तो कैसा महसूस करते हो? मतलब थोड़ा लगता है ऐसा कि जी मैं स्टेज पे जा रही हूँ, थोड़ा नर्वसनेस होती है, थोड़ी खुशी होती है, थोड़ा डर एंग्जाइटी, कैसा महसूस करते हैं आप? देखो जी, स्टेज पर मुझे इतने साले जाते हुए हो गई, लेकिन आज भी मुझे बहुत डर लगता है। जब तक एंट्री ना हो तब तक बहुत डर लगता है, लेकिन फिर हो जाता है, खुद जब माइक हाथ में आ जाता तो फिर जी। और मैम जब बहुत सारे दर्शकों को आप देखते हैं ना, कि मतलब कि वो चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, और मतलब झूम रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, आपको पता नाट्य तो इतनी फेमस है हिमाचल की, हर जगह लोग इसको इंजॉय भी करते हैं, लोग स्पेशल दूसरे स्टेट्स के लोग भी आकर नाट्य सीखते हैं, तो मतलब उस टाइम बड़ा पंपअप हो जाते हैं, बहुत आपको खुशी मिलती है? उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब हमारी जो जनता नाचती है जी, बोलते हैं कि और गाओ जी और गाओ, बहुत खुशी होती है जी, तब बहुत ज़्यादा खुशी होती है जी। मैम जब सेल्फी के लिए लोग आते हैं ना, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फी के लिए आपके पास आते होंगे कि मैम आपके साथ एक सेल्फी लेनी है, तो उस टाइम कैसा महसूस आप करती हैं? और ख़ासकर अब हम देख रहे हैं कि जो नए बच्चे भी हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो भी काफ़ी हद तक हमारे कल्चर के साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, आप गाड़ी में भी चलते हैं, बसेस में भी जाते हैं, नाट्य सुनने को मिल जाती है, और अब से 15-20 साल पहले ऐसा सुनने को नहीं मिलता था, तो कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस होता है। मुझे याद है एक बार नहीं, बस कई बार जाते हैं हम, टूरिज्म के कार्यक्रम होते हैं जी, तो हम कुल्लू नगर गए थे, मुझे याद है अभी तक, तो वहाँ पे हमारा फोक डांस का कार्यक्रम होता था, तो फिर हम जब फोक डांस करते थे तो वहाँ पे वो स्पेशली टूरिज्म का तो होता है, जो हमारे जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनके लिए, तो मतलब फ़ोटो खींचने का ही काम, फ़ोटो खिंचाने का ही काम होता था हमारा वहाँ पे टूर, मतलब बहुत अच्छा लगता था। इतने सारे मुंबई से फ़ोन आते हैं, कई जगह से जो जहाँ जहाँ के टूरिस्ट लोग थे उनके पास, सबके पास नंबर, वो कॉल करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और कईयों ने फ़ोटो, बहुत बड़ी बड़ी फ़ोटो बनाई हुई, फ़ोटो भेजते हैं कि भाई देखो भाई, हाँ हमने आपके साथ खिंचा के फ़ोटो इतनी बड़ी बना ली है, तो बहुत खुशी होती है जी। तो मैम फैमिली का कैसा सपोर्ट रहता है, फैमिली वाले क्या कहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि आपका बिजी शेड्यूल रहता होगा, आज भी आप सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े हैं, कई बार आपको बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंसेज, मेलों की हम बात करें, फंक्शंस की बात करें, उसमें आप परफॉर्म करने जाती हैं, तो फैमिली को समय दे पाते हैं आप इजीली? देखो जी, फैमिली को समय देना पड़ता है, सबसे बड़ी बात है कि अब सबसे पहले अपना परिवार देखना चाहिए, देखना भी पड़ता है। तो मेरे साथ जो है फैमिली का बहुत बड़ा, मतलब बहुत साथ है। मेरे जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड जब जॉब करते हैं फॉरेस्ट में जॉब करते हैं, लेकिन वो कभी मुझे नहीं ये बोलते कि भी वहाँ मत जाओ या वहाँ ऐसा मत करो, वो मतलब हर वक्त हमारे साथ है। मेरे जो बच्चे हैं वो हमेशा मेरे को बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि मम्मी आप करो, ये काम करो जी। और मैम आपका क्षेत्र है जो करसोग का, खासकर आपका गांव, वो तो बहुत प्राउड महसूस करता होगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत जी। तो मैम जब हम गानों की बात कर रहे हैं, हम नाटियों की बात कर रहे हैं, आपने बहुत सारे ऐसे गाने गाए, और अभी आपने गणपत तेरा जूरा प्यारा लगे वो भी आपने सुनाया, तो मैम आप खुद भी लिखते हैं सॉन्ग्स को? हाँ जी, वो मेरा खुद का लिखा हुआ था जी। हाँ जी, खुद लिखते। तो मैम प्रोसेस कैसे होती है गाना लिखने की, कैसे आप गाना बनाते हैं? पहले स्टोरी आती है जी, फिर उसके बाद जिस तरह की वो स्टोरी होती है, जो इसका भाव होता है, जो अगर जैसे जैसे तो सैड सॉन्ग है उसका तो अलग होता है, जैसे कोई जिंदे इंसान भाई मौज मस्ती के लिए नाटी लिखनी है वो उसका अलग भाव होता है, मतलब तरह तरह का, जैसे प्रकृति पर लिख दिया हमने तो उसका अलग होता है, तो इस तरह से लिख लेते हैं। एक मुझे याद है कि एक मेरे पास स्टोरी आई थी, वो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, मतलब बहुत ही कठिन था वो। उनकी स्टोरी थी कि बहन जी हमने नाटी लिखवानी है, माता जी भैया ठीक है जी, आप स्टोरी भेज दो। उन्होंने स्टोरी दी तो बोलते जी मेरे तो दो भाई और दो बेटियां, उनका एक्सीडेंट हो गया और दो भाई मर गए और एक हमारी जो बेटी मर गई, एक कोमा में चली गई। अच्छा जी, हो गए तीन लोग, ठीक है। बोलते एक महीने के बाद तो हमारे मदर एक्सपायर हो गए, चार हो गए। बोलते एक महीने के बाद तो मेरी दुकान में आग लग गई जी, मैं PGI चलेगा जी। मैंने बोला भैया चलो वो तो ठीक है, लेकिन हमारा जो है, मेरी जो ये नाटी है मैं किसके नाम से लिखूंगी, जो इसमें चार पांच लोग जी एक्सपायर हुए। तो फिर हमने सोचा कि मैं कहा आपकी स्टोरी बनाते हैं,
इनको इसमें डाल देते हैं, तो एक महीना लग गया था सर इसमें मेरा बहुत जी। और हमारे जितने भी पारंपरिक गाने मुझे लगता है स्टोरीज को ही दर्शाते हैं, और बहुत सारे ऐसे पुराने, बहुत ही पुराने पुराने गाने हैं, झुरियों की हम बात करते हैं उसमें भी स्टोरीज के बारे में ही हम बात करते हैं। आपका एक गाना है सुरजू मेटा, तो ये जो सुरजू मेटा गाना है ये किस बारे में है, थोड़ा सा इस बारे में सिर्फ बताइए आप हमारे दर्शकों को कि कैसे आपने लिखा था। नहीं सर ये मैंने नहीं लिखा था, ये ट्रेडिशनल सॉन्ग है, बहुत पुराना सॉन्ग है था, कभी जैसे करसोग में सनारली है, हमने अपने नाना नानी से सुना है कि मेट था कोई सनारली भवा शड़ के सुरजू मेटा री गंगा भाड़े नीमू है, नीमू शायद कोई उनको चाहने वाली थी या शायद, मुझे ये नहीं पता, तो मैं थोड़ा गुनगुना के बताती हूँ आपको इसको जी। सनारली भवा शड़ के सूरजू मेटा रे गंगा मारे नीमू है सूरजू मेटा रे, सनारली भवा शड़ के सूरजू मेटा रे गंगा लाड़ी नीमू है सूरजू मेटा रे, बेउशे जना रो पेले थाठ गेढ़ना डेंगा लड़नी मुए थाठ गेढ़ना। वाह मैम बहुत ही अच्छा सुरजू मेटा गाना आपने गुनगुनाया, तो आइए दर्शकों देखते हैं सुरजू मेटा गाना विमला देवी जी की आवाज में। नमस्ते हिमाचल, विमला देवी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इतनी सारी मैम आपकी नाटियाँ हैं, इतने सारे आपके पहाड़ी गाने हैं, और जब हम बात करते हैं ना मैम सुकेती नाटी की, जहाँ जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए जो सुकेती नाटी है, क्योंकि अक्सर हम पहाड़ी नाटी की बात करते हैं, हम झूरियों की बात करते हैं, हम गंगी की बात करते हैं, ये सुकेती नाटी है क्या, और ये जो सुकेती नाटी है ये कैसे थोड़ी सी डिफरेंट है? सुकेती नाटी जो है ये हमारी जो सुकेती नाटी है इसमें मध्यम ताल की जो नाटियाँ होती है जो जैसे मुजरा वगैरह बहुत कम होता है, सुकेती नाटियाँ जो वो ढीली नाटियाँ होती है हमारे जो सुकेत में नाटियाँ होती है वो चलती है, जैसे सुकेती नाटी जैसे शादी विवाह में लोग पूरी पूरी रात नाचते हैं, माला नाटी नहीं नाचते, वो ढीली नाटियाँ नाटियाँ नहीं नाचते जो हाथ में हाथ डाल के ऐसे नाटी नाचते हैं, तो हमारे ढीली ही नाटियाँ चलते हैं
बस जी। और मैम जब ढीली नाटी की हम बात करते हैं ना मैम, और खासकर हम करसोग क्षेत्र की बात करें या सुकेत की हम बात करें, सुकेत रियासत की बात करें, हम देखते हैं कि शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें या कुल्लू का भी थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो नाटी है वो एक फ्लो में चलती है, थोड़ी तेज़ चलती है, पर जो सुकेती नाटी है वो थोड़ा सा अलग तरीके से चलती है। और जब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करते हैं तो वो भी थोड़े से उसमें डिफरेंट यूज़ किए जाते हैं, तो उसके पीछे क्या स्टोरी है मैम? उसके पीछे ये है कि जैसे हमारी जो ढीली नाटियाँ होती है उसमें देखिए गुज्जू लगता है, करनाल लगती है, नगाड़ा लगता है, शहनाई लगती है, ढोल लगता है। तो जब तक ये ना बजे जो ढीली नाटियों में बस इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जी। ढीली नाटियों के लिए तो यही है, पारंपरिक है, पहले से है तो जी। तो फिर जी। और मैम जब आप परफॉर्मेंस देते हैं, खासकर हम पहाड़ी नाटी की बात करते हैं, तो मतलब जो करसोग क्षेत्र के लोग हैं या मंडी क्षेत्र के लोग हैं वो तो आपके गानों को काफ़ी इन्जॉय करते हैं। मैं आप तकरीबन बहुत सारी भाषाओं में आप गाती हैं, और करसोग और सुकेती नाटी तो खैर आपकी बिल्कुल फोटे है, उसको आप गाती हैं। तो और जब क्षेत्रों में आप परफॉर्म करने जाते हैं ना मैम, जैसे कि हम ऊना की बात करें, हम बिलासपुर या कांगड़ा की बात करें, कैसा लोगों का रिएक्शन रहता है? बहुत बढ़िया। मतलब हम जैसे सभी जगह तो सुकेत की नाटियाँ पसंद करते हैं, लेकिन हम लोगों को वहाँ का भी कल्चर गाना पड़ता है। जैसे हम चंबा चले गए जी, तो चंबा में तो अपना तो है ही है, वो तो सबसे पहले, लेकिन हमें तो चंबा के लोग जो पसंद कर रहे हैं वहाँ पे, उनका उनकी जो भाषा है तो वो भी तो करना पड़ता है जी। वैसा है, अगर हम जैसे पंजाब में कोई कार्यक्रम हो तो पंजाब में तो पंजाबी सॉन्ग भी तो अपना है ही है, लेकिन पंजाबी सॉन्ग भी गाना ही पड़ता। या तो कहीं महफिल हो या कोई कलाकार लोग बैठे हो तो, या तो गजल का हो तो साथ में एंजॉय तो करना ही पड़ता है, लेकिन सीखना तो सब कुछ पड़ता है सर, पर अपना फोकस में जी बिल्कुल पारंपरिक हमारे जो लोकगीत हैं। तो हमारे जैसे कई त्यौहार है हमारे, जो जैसे हमारा जो फेम मतलब हमारी जो जैसे शिवरात्रि है वैसी सेम माल भी है। माल भी हमारे जो करसोग में और कुल्लू में, करसोग माल जो है, इसकी मैं थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूँगी आपको। माल ये कुल्लू से आई थी, कुल्लू से एक गाय के रूप में आई थी ये जी। ये आई थी सुकेत होते हुए तत्ता पानी में, इसका जो इसको रात खुल गई थी, गाय के रूप में आई थी वो जी। तो रामलीला के जो आठवीं रामलीला होती है उस दिन से ये गाने शुरू होती है। आठ दिन तक गाते हैं, ओबरे के पास आज मेरे, अभी पहले मेरे ओबरे के पास आएंगे, फिर आपके ऐसे करके 8 दिन तक गाएंगे इसको जी। फिर आठवें दिन जो है सुबह 4 बजे गाय को तैयार करेंगे, तरह तरह के कलर से बढ़िया सजाएंगे उसको, हार पहनाएंगे, और जो बैल होता है एक बुंगड़ी होती है हमारे, उसके जो माला बनाते हैं उसके सींग में लगाते हैं जी। 4 बजे सुबह छोड़ते हैं हमारे पशु रात को मशाल जला के, 4 बजे हमने सुना है कि शायद उस दिन कुछ अमृत बरसता हो या पहले के बुजुर्गों की बातें हैं जी। तो फिर जब गाय आएगी मुहूर्त जब निकलेगा, 4 बजे छोड़े होंगे तो 8-9 बजे जब भी मुहूर्त होगा तो गाय की पूजा करेंगे। उस दिन हम पशुओं को घास से नहीं उनका पेट भरते, उस दिन अनाज ही होता है पशुओं के लिए, जैसे गेहूँ भुनी हुई, मक्की भुनी हुई, वो सारा करके सब लोग पूरे गांव में खिचड़ी बांटते हैं सभी पशुओं को, वैसे वैसे करके, और ये मनाते हैं माल। तो इसके साथ जो माल, अगर चलो गाऊंगी मैं थोड़ी देर, और मेरे को लगता है माल पुनिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम सोलन के क्षेत्र की बात करें या शिमला के कुछ क्षेत्रों की बात करें, माल पुनिया भी उसको कहा जाता है। तो सेम इसी के साथ जुड़ी है ये एक नौरी कुल से आई ये बच्ची एक, वहाँ पे एक बार मैं बात बताऊँ आपको कि रामपुर की एक नृत्य नगर में जी, राजाओं के टाइम की बात है सर, ये मतलब विलुप्त हो रही है बातें, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ जी। तो राजाओं के टाइम की बात है कि पानी की बहुत किल्लत हो गई थी, तो एक थोड़ा सा था एक नहरी कुल जो है जी। सर ये बहुत पौराणिक चीज है ये, बिल्कुल उसमें पानी था लेकिन बरस तो रहा नहीं था, अकाल पड़ गया था। तो लोग आगे राजा के पास, सभी राजा भैया, राजा जी हमारे पास पानी नहीं है, कुछ नहीं है, जो नहरी कुल है उसका कुछ ऐसा हो गया था कि वो पानी जितनी मर्जी आगे को ले जाए वो नहीं जा रहा था, वैसे ही घूम रहा था,
कोई पता नहीं राजा जी का कोई ज्योतिषी होगा, कोई उन्होंने बताया होगा कि भाई राजा जी भाई इसमें तो बलि लगेगी, एक गाय की बलि लगेगी, एक बिल्ली की बलि लगेगी और एक कन्या चाहिए। फिर वो राजा ने भेज दिए, राजा ने भेज दिए भाई जाओ तुम लोग जितना मर्जी पैसा लग जाएगा कोई बात नहीं, जो भी लगेगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल मैम, ये जो आपकी स्टोरी है ना बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और हमारे दर्शक भी इसको सुनना चाहेंगे, पर उससे पहले हम आपका एक गाना जरूर देखना चाहेंगे और दर्शकों हम विमला देवी जी का गाना देखते हैं, जूरी तेरे बागा रे छाऊं। आइए देखते हैं, एंजॉय करते हैं। मैम भी झूम रहे हैं, हम सब लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। और जब हम हिमाचल की बात करते हैं ना, देवभूमि हिमाचल, यही हमारा कल्चर है, ये जो लोकगीत हैं यही हमारा कल्चर है, यही हमारी पहचान है। और मैम मुझे लगता है आप भी एग्री करती हैं इस बात से। जी बिल्कुल जी। और मैम ये जो गाना अभी हमने सुना जिसपे हम लोग डांस भी कर रहे थे, हम स्टूडियो में डांस कर रहे थे, तो इसके बारे में बताइए, क्योंकि कुछ लोग शायद समझ नहीं पाएंगे, मैं खुद भी बताऊं तो मैं कुछ कुछ वर्ड समझ पा रहा था, कुछ नहीं समझ पा रहा था, थोड़ा सा जो इसके लिरिक्स हैं आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी ये इसके लिरिक्स है, झूरी है तेरे बोलो बागोरी छाँव संग चले हवा ठंडी। एक झूरी है बोल रहे हैं कि उनके साजन है, वो बोल रहे हैं कि भी झूरी है तेरे बागारी छाँव संग चले हवा ठंडी, दस है तो भी अपना नाम बता दे भाई, बाकी तू रहने दे कोई बात नहीं, मैं नाम बता दे, झूरी है तेरे बोलो बांगारा छणाका जी, ऐसे ऐसे है, मतलब झूरी की जो है तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, बस ऐसा ही है। और मतलब कहीं ना कहीं छेड़खानी होना भी जरूरी है, और जो व्यक्ति सुंदर हो, और खासकर जब हम कहते हैं कि जो महिला सुंदर होती है, जो लड़की सुंदर होती है, उसकी सब लोग तारीफ करते ही हैं। हाँ जी, हाँ जी, और तारीफ होनी भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी जी मैम। मैम हम लोकगीतों की जब बात कर रहे थे ना, AIR ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के साथ आपका काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है, हाँ तो जब आप फर्स्ट टाइम दूरदर्शन में आए थे ना परफॉर्म करने, हाँ वो मैं थोड़ी सी स्टोरी जानना चाहूँगा, कैसा महसूस कर रहे थे और कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत डर लग रहा था मेरे को जब मैं पहली बार दूरदर्शन में आई, तो शायद रिकॉर्डिंग थी मेरी उस वक्त यहाँ पे जी, मुझे ये भी नहीं याद है कि पता नहीं कौन सी इसकी रिकॉर्डिंग थी,
गाने हुए थे रिकॉर्ड जी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था भाई, दूरदर्शन क्या होता होगा, कैसे होता होगा, लेकिन यहाँ तो वैसे भी डर लगना ही चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पर यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, हाँ जी, तो यही एक सच्चाई है, जो आकाशवाणी शिमला और दूरदर्शन शिमला है, इसके लिए हमें जी थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है जी। तो मैम, जब आप स्टेज पे आए, जब आपने लाइट्स कैमरा सब कुछ देखा, हाँ जी, और तो कैसा महसूस किया, वो जो नर्वसनेस थी वो भाग गई? उसके बाद तो भागी। एक बार ढोलोरा धमाका में भी था ना, मैं जब अंदर आई थी तो यहाँ पे दूरदर्शन में, तो लगा कि भी बिल्कुल अंधेरा है भाई, ये क्या है, क्योंकि सच्चाई बताने में आदमी को नहीं हिचकिचाना चाहिए। मुझे लगा कि भाई ये तो अंधेरा है, यहाँ पे इतने सारे माइक लगे हैं, ये क्या है भाई। अब लाइट तो हम दोनों के पास है, दारा जी थे उस वक्त मेरे साथ ढोलोरा धमाका में, दारा जी थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा, बोलते यार, बोलो टाइम हो गया। मैं कहो भी क्या टाइम इतने जल्दी, पहले लग रहा था कि भाई मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं, हमें बात करने मतलब नहीं है, सिंपल लोग हैं मैम, हम पहाड़ी लोग हैं, बोले वाले लोग लोग हैं जी। सर, हम बोल देते हैं जो, पर मन में कुछ नहीं होता मैम। एक गाना और सुनने का मेरा बड़ा मन कर रहा है, क्योंकि अभी हमने इतना झूमे ना, तो कोई ऐसा गाना जो आपका बहुत ही फेमस हो, जो आपके लिए मतलब फरमाइश आती हो, जब आप स्टेज पे जाते हैं ना मैम, फंक्शंस पे जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये गाना सुनाइए, तो वो सुना दीजिए। भेड़ा लाए चरने गे, परली थाचे बोले सरनुए बोले, परली थाचे बोले, भेड़ा लाए चरने गे, परली थाचे गे, थाचे बोले सरनुए बोले, परली थाचे, रोटी पाई कछुए पानी पिपले पाचे गे, पाचे बोले सरनुए पानी पिपले पाचे, बोले रोटी पाई कछुए पानी पिपले पाचे गे, पाचे बोले सरनुए पानी पिपले पाचे। वाह मैम वाह, क्या बात है, आपकी आवाज़ में जो खनक है, जो मधुरता है, उसके तो हम सब कायल हो गए, इतनी अच्छी आपकी आवाज़ है। तो मैम, कितना सा मतलब रियाज वगैरह भी आपको काफ़ी करना पड़ता होगा? जी, रियाज तो कंटिन्यू करना पड़ता है जी, अगर कुछ आप करना चाहते हो तो रियाज तो ज़रूरी है जी। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे पढ़ाई के लिए हमें स्पेशल टाइम लगाना पड़ता है, कि पढ़ाई तो बैठ के ही कर सकते हैं, लेकिन जो ये संगीत है, संगीत को तो हम कहीं भी इसका रियाज हो सकता है। हम काम कर रहे, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, घर का काम हो रहा है, काम भी अच्छे से हो जाता है और अपना रियाज भी हो जाता है जी, तो ऐसे ही रियाज चलता रहता है जी। और मैम, जब हम बात करते हैं आपकी, आप हिमाचल की ऐसी प्रसिद्ध लोक गायिका हैं जिनके गाने हम सब इन्जॉय करते हैं, और ख़ासकर जब हम कल्चर की बात करते हैं, हम लोक गीतों की बात करते हैं, तो लोक गीतों को आपने एक नया आयाम, एक नई पहचान दी है, उसके लिए तो नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम और दूरदर्शन की तरफ से हम आपका शुक्रिया करते हैं। तो आइए देखते हैं सुकेती मुजरा।
जी हाँ दर्शकों, सुकेती मुजरा का आपने आनंद लिया और हमारे साथ विमला देवी जी भी मौजूद थी। विमला देवी जी का गाना हमने सुकेती मुजरा भी सुना। तो मैम, बहुत सारे लोग झूमते हैं आपके इस गानों पे, बहुत सारे लोग डांस करते हैं और आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया। और सुकेती मुजरा और बहुत सारे गाने आपने हमारे दर्शकों को सुनाए, पर मेरा ये आग्रह रहेगा और हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनका भी ये आग्रह रहेगा कि जाते जाते आप एक गाने के साथ क्लोज करें मैम। हो कूल तूटे मणा रोपा बोल की जोरा लाणा लाणा बेलाड़ी ये सूर मा रोपा बोल की जोरा लाणा आगो तो आगो लाड़ी सूर पीछो बोले ने गिरा घोड़ा घोड़ा बेलाड़ी ये सूरमा पीछो बोले ने गिरा घोड़ा सूले तो सूले हांडे सूरमा रोए गोवर सेता थोड़ा थोड़ा बिलाड़ी ये सूर माँ रोए गुआर सेता थोड़ा कूल तूटे मणा रोपा बोले की जोरा लाणा लाणा बिलाड़ी रोपा बोले की जुरा लाणा धान तशुका बोले गोभी भात बोले की जुरा खाना खाना बिलाड़ी ये सूरमा भात बोले की जुरा।